Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting chapter 5 Working with Lists, Images, and Tables in HTML. So, open your book and look at page number 47. First of all, what is HTML? HTML Hypertext Markup Language. HTML is a language that is used to create web pages. एच टी एम एल एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर जो एक वेबसाइट होती है उसमें काफ़ी सारे वेब पेज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं आ वेब पेज होल्ड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टेबल्स लिस्ट इमेजेस एंड सोन एक जो वेब पेज है उस पर किसी भी टाइप का टेक्स्ट हो सकता है टेबल हो सकती है लिस्ट हो सकती है एंड इमेज हो सकती है दीज फीचर्स ऑफ आ वेब पेज एड विजुअल अपील टू वेबसाइट। तो अगर किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट भी होगा टेबल की फॉर्म में होगा या लिस्ट होगा या इमेज तो वो वेब पेज एक बहुत अट्रैक्टिव सा लुक प्रोवाइड करता है ओके सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट एड इमेज एंड टेबल्स इन एच टी एम एल एच टी एम एल इज अ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज कंसिडर एज अ गेट वे टू क्रिएट वेबसाइट दैट आई टोल्ड अर्लियर यू एच टी एम एल इज अ कम्प्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स इट इज इजी टू लर्न एंड एक्जीक्यूट बहुत ईजी है इस लैंग्वेज को यूज करना लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एच टी एम एल टैग एंड देयर आर ट्रीब्यूट फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट्स तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट्स एच के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लिस्ट क्या होती है आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं कई बार हमें उनका कुछ भी डाटा रेडी करना होता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं लिस्ट रेडी करते हैं तो सेम दिस वे इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट लिस्ट इन एच टी एम एल देन हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट ठीक है कौन कौन से टैक्स यूज किए जाते हैं एच में आप एक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं तो हम ये स्टडी करेंगे तो देखिए फर्स्ट लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेटेड आइटम्स इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट द टू मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एच टी एम एल आर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट तो देखिए लिस्ट क्या होती हैं जो हमारे डाटा को एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करती हैं एक ऑर्डर में लगाती हैं तो हम एच टी एम एल में मेनली टू टाइप्स की लिस्ट स्टडी करेंगे ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड तो व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट इज आल्सो नोन एज नंबर लिस्ट जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें जितने भी आइटम्स होती हैं वो एक ऑर्डर में होती हैं जिसको हम एक नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं एवरी आइटम इन ऑर्डर लिस्ट इज प्रिस बाय अ नंबर और लेटर आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होती हैं उसमें क्या होगा या तो कोई नंबर होगा आगे या कुछ लेटर होगा ठीक है तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं द टैग यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर लिस्ट इज ओ एल देखिए इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ऑर्डर लिस्ट आपको ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ओ एल टैग यूज़ किया जाता है ओ मीन ऑर्डर्ड और एलमिन लिस्ट ये क्या एक सॉरी कंटेनर टैग है इट मीन्स ये स्टार्ट भी होगा टैग और क्लोज भी होगा तो इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ करके हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि कैसे क्रिएट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एच टी एम एल टैग जो होता है ये हम लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज देते हैं नेक्स्ट हैड हैड क्या होता है एच टी एम एल के टू पार्ट्स होते हैं फर्स्ट हैड सेकेंड बॉडी तो हैड का कोई भी यूज़ नहीं होता सिर्फ हम टाइटल देने के लिए यूज़ करते हैं और जो भी आप टाइटल में टेक्स्ट देते हो वो जस्ट टाइटल बार में शो होता है उसकी कुछ भी आउटपुट नहीं आती ओके तो हमने क्या किया हैड दिया उसके अंदर टाइटल दिया टाइटल में हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट ये आपको अच्छे से पता है एच टी एम एल जो है के सेंसिटिव लैंग्वेज है इसके अंदर आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड इसके अंदर जो टैग्स यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो टैग आप सबसे फर्स्ट ओपन करो उसको सबसे लास्ट में क्लोज करोगे और जिसको लास्ट में ओपन किया उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे इनका ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट में हमने टाइटल को क्लोज कर दिया और हेड को क्लोज कर दिया अब बॉडी के अंदर जितने भी टैक्स लिखेंगे वो सभी के सभी टैक्स का अपना अपना कुछ मीनिंग होगा और उनकी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी तो फर्स्ट हमने लिखा बॉडी के अंदर आउटडोर गेम्स तो आपके पास एक टेक्स्ट आ जाएगा आउटडोर गेम्स उसके बाद आपने टैग दिया एचआर एचआर मीन होरिजोटल रूल इसके नीचे एक आपको लाइन डिस्प्ले हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर दैट देखो यहाँ पे एक टैग है ओ एल ओ एल टैग जैसे ही आपने लिखा ऑर्डर लिस्ट अब यहाँ से आपकी एक ऑर्डर लिस्ट रेडी होना स्टार्ट होगी इसके बाद नेक्स्ट है एल आई एल आई का मतलब होता है एल मीन लिस्ट और आई मीन आइटम अब यहाँ से आपकी जो लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी ठीक है एल आई बैडमिंटन दोबारा से एल आई फुटबॉल एल आई बास्केटबॉल एल आई वॉलीबॉल तो आपने क्या क्या चार लिस्ट आइटम्स दे दी आफ्टर दैट आपने ओ एल को क्लोज कर दिया बॉडी क्लोज एच टी एम एल तो देखिए इसके जो आउटपुट हैं फिगर फाइव पॉइंट वन आपने जो आउटडोर गेम्स दिया था एच आर दिया था बैडमिंटन फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल इनकी एक लिस्ट रेडी हो गई ठीक है नंबर फॉर्म में वन टू थ्री फोर तो ये क्या होती है ऑर्डर लिस्ट ओके आफ्टर दैट ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया एल आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट आइटम नेक्स्ट एग्जाम्पल टू सेम वही पहले वाली है जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में किया था बट देयर इज अ डिफरेंस एच टी एम एल है बॉडी ये सब सेम है एल आई भी सेम है जस्ट वन ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए इसमें ये डिफरेंट है देखिए टाइप क्या होता है टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ओ एल टैग टाइप जो है ओ एल टैग का एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपने लिखा कैपिटल ए इट मीन्स आपकी जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनके आगे कैपिटल लेटर्स में आएगा ए बी सी डी ई दिस वे ओके आफ्टर दैन अगर आप टाइप के अंदर स्मॉल टाइप कर देते हैं तो आपकी जो लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे उसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट होंगे आफ्टर दैट अगर आप रोमन में लिखते हो तो रोमन में आपकी आउटपुट आएगी अपर केस में लिखते हो अपर में लोअर केस में लिखते हो तो लोअर में ओके okay? सो स्टूडेंट्स लुक एयर इन क्विक टिप द स्टार्ट एट्रीब्यूट कैन बी यूज विद द ओ एल टैग टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो आप उसके आगे लिख सकते हो जैसे टाइप इज इक्वल टू आपने लिखा वन कि आपके जो आउटपुट आने चाहिए वो नमेरिक फॉर्म में आनी चाहिए वन टू थ्री दिस वन बट स्टार्ट इज इक्वल टू फोर बट काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए फोर से Okay, students. Thank you, class. Read page number 47 and 48. Thank you, class.